हेलो और नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं चैनल टेक्निकल पांडा। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप वर्ड फाइल यानी कि किसी टेक्स्ट फाइल को आप पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। जी हाँ, आप कोई रिज्यूम तैयार करते हो या कोई टेक्स्ट फाइल तैयार करते हो और जब उसे आपको पीडीएफ में कन्वर्ट करना होता है तो आप ऑनलाइन सर्च करते हो ढेर सारे एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन मिलते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि ऑफलाइन आप बिना किसी नेट के यूज किए बगैर और बिना किसी स्पेशल पीडीएफ कन्वर्टर सॉफ्टवेयर यूज किए बगैर आप जो है अपनी वर्ड फाइल या टेक्स्ट फाइल को पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और न है तो सब्सक्राइब करिएगा। तो आइए फिर देखते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने एक वर्ड फाइल तैयार की हुई है। मैं इसे ओपन करता हूं और यहां पे मैंने कुछ हिंदी में टेक्स्ट लिखे हुए हैं, कुछ इमेज भी डाले हुए हैं। इस फाइल को मुझे पीडीएफ में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, फाइल में जाके सेव एज ऑप्शन में जाऊंगा और यहाँ पे मैं सेव एज टाइप में जाकर आपको चूज करना होगा वेब पेज आपको मिल जाएगा ऑप्शन हर वर्ड में। और आपको अब करना होगा सेव, कोई भी नाम से इस फाइल को आप सेव कर सकते हो। तो मैं वर्ड फाइल 2 के नाम से सेव करता हूँ। डेस्कटॉप पे आप कहीं भी सेव कर सकते हो, जहाँ चाहो वहाँ पे। और सेव कर लेने के बाद इसे क्लोज कर दूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये फाइल जो है सेव हो चुकी है। इसे आपको राइट क्लिक करके आपको ओपन विथ में जाना होगा और यहाँ से आपको गूगल क्रोम ऑप्शन चूज कर लेना होगा। ध्यान रखिए आपके लैपटॉप में जो है गूगल क्रोम इंस्टॉल हो, आपको इसे गूगल क्रोम के साथ ओपन करना है। और जैसे ही फाइल ओपन होती है राइट क्लिक करके आप प्रिंट कर लीजिए। और जैसे प्रिंट में आप जाते हो आपको यहाँ पे चेंज करना होगा। चेंज वाले में जाकर आपको यहाँ चेंज ऑप्शन में जाना होगा। चेंज पे जैसे ही आप क्लिक करते हो आपको यहाँ सेव एज पीडीएफ में जाना होगा। और उसके बाद आप यहाँ से इस फाइल का मोड चूज कर सकते हो, पोर्ट्रेट मोड या लैंडस्केप मोड। और उसके बाद आपको क्या करना होगा, सेव पे क्लिक करना होगा और जिस भी नाम से आप चाहो इसको जहाँ भी चाहो वहाँ पे आप सेव कर सकते हो। तो मैं किसी नाम से सेव कर लेता हूँ और मैंने अपने नाम से इस फाइल को सेव कर दूंगा मैं डेस्कटॉप पे। अब आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो फाइल जो है ये फाइल में कन्वर्ट हो चुकी है। मैं इसे ओपन कर ले रहे हैं और आप यहाँ पे देख सकते हो ये फाइल पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट हो चुकी है। और यहाँ इस फाइल का एक्सटेंशन भी आप देख सकते हो abhishek.pdf। और इस तरीके से आप ऑफलाइन भी किसी फाइल को, टेक्स्ट फाइल को या वर्ड फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।